चलिए दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाल किताब में अंगूठे के बारे में क्या क्या कहा गया है हमने अंगूठे के बारे में आज तक ना ही जाना होगा ढंग से आज मैं आपको लाल किताब का वो पेज जो कि पेज नंबर 63 वॉल्यूम वन का पेज है उसमें क्या लिखा गया है अंगूठे के बारे में उसके बारे में बताने वाला हूँ और अंगूठा देखिए यहाँ पर लिखा है अंगूठा ख्वाह हाथ का ख्वाह पाँव पाँ का तो यहाँ देखिए लिखा है ख्वाह हाथ का ख्वा पाँव का ठीक यानी कि हाथ का हो चाहे पाँव का हो दोनों में ये एक ही बात लिखी गई है यानी कि दोनों के बारे में समझाया गया अब यह हाथ का अंगूठा देखिए कि हाथ का अंगूठा जो है अब इस तरह से ये हाथ का अंगूठा है जो कि जिसमें पोरियाँ होती हैं एक पोरी हो गई दो पोरी हो गई उसके बाद ये नाखून का हिस्सा आ गया अब हमने ये देखना है कि यहाँ पर इसके बारे में क्या लिखा है कि जिस तरह सिर के ढांचे का मालिक बुध है और उसके अंदर दिमागी खानों में हवाई ख्याल लहरें पैदा करने की ताकत का मालिक राहु है अब इस लाइन को थोड़ा समझिए क्योंकि यहाँ पर एक एक लाइन को हमें एक्सप्लोर करना होगा एक एक लाइन को डिकोड करना होगा हम ये लाइन को सिर्फ पढ़ के ही नहीं कई लोग जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं वो क्या करते हैं लाल किताब की किताबें तो मंगा लेते हैं दो लाइनें पढ़ी और वहीं पर ही उनकी टाँ ट फिस हो जाती है फिर वो किताब बंद करके रख देते हैं फिर वो यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हैं ये करते हैं वो करते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर जो तरतीब है इसको पढ़ने की लाल किताब वो यही है कि आपको एक बार पढ़ना है दो बार पढ़ना है और उन चीज़ों से कनेक्टेड और बातों को सीखना है तो यहाँ पर देखिए जिस तरह सिर के ढांचे का मालिक यानी कि जो हमारी खोपड़ी होती है खोपड़ी की गोलाई जो होती है उसके अंदर जो मगज है जो खोपड़ी हमारे ब्रेन है उसका मालिक है बुध ठीक है और उसके अंदर दिमागी खाने यानी कि जो दिमागी हिस्से होते हैं उन दिमागी हिस्सों में जो भी एनर्जी उत्पन्न हो रही है जो भी ख्याल आ रहे हैं जो भी तरंगे उत्पन्न हो रही हैं उनका मालिक राहु है अब आपने ये समझ लिया बुध और राहु का यहाँ पे देख लीजिए योग बनता है तब प्रॉब्लम आती है अगर मंदे भाव में जाता है जबकि मैंने आपको पहले भी वीडियो बताया है जब बुद्ध और राहु मंदे भाव में होंगे तब इस केस में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर बुध बुरे भाव में है राहु कहीं गलत भाव में चला गया और आपसी दृष्टि संबंध बना लिया तब इस केस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बुध और राहु चलिए अब अगली लाइन समझते हैं इसी तरह ही इंसानी दिल का मालिक चंद्र है अब देखिए दिल और दिमाग की बातें होती हैं यानी कि कभी आपका दिल हामी बढ़ता है दिमाग मना करता है यही एक दिल और दिमाग का कनेक्शन है अब जिसके अंदर जो दिल है हमारा दिल में भी लह रहे हैं क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी ईसीजी का नाम सुना होगा आपने वो ईसीजी क्या होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनको कागज पे उतारती हैं एज ए वेव के फॉर्म में आपने देखा होगा ई सी जी ऐसी 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 होती है ये वेव्स होती हैं ये वेव्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो बनता है उसके थ्रू आती हैं अब यहाँ पर हमने समझ लिया चंद्र के अंदर भी यानी कि दिल के अंदर भी यहाँ पर इसी चीज का यानी कि राहु का एक असर माना जाता है अब इसके अंदर जो भी दिल के अंदर उछालने वाली या गिरने वाली जो भी लहरें होती हैं उनका राहु और केतु से संबंध होता है क्योंकि देखिए ये जो पूरा अंगूठा होता है ना ये शुक्र का माना गया है अब शुक्र का माना गया अब आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो कि शुक्र का कैसे हो गया आपने राहु और केतु अगर ये दो ग्रहों को हम जोड़ेंगे तो इनके मसनू ठीक है यानी कि अंश अगर राहु और केतु को जोड़ा गया तो बना शुक्र जो कि हम वीनस भी बोलते हैं तो यानी कि शुक्र पूरा अंगूठा शुक्र होगा पर इसकी जो एक फॉर्मेशन होगी वो राहु और केतु के जरिए होगी ठीक है अब इसके बाद उस पाप की बैठक बैठक यानी कि खाना नंबर दो आपने कुंडली में जो हमारे हाउसेज हैं इन हाउसेज में जो सेकेंड हाउस होता है वो यहाँ पर माना गया है शुक्र का क्यों क्योंकि शुक्र का जो दूसरा भाव है यहाँ पर वृक्ष राशि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बनती है तो इसीलिए ये वाला घर राहु केतु की बैठक भी माना गया है क्यों क्योंकि ये शुक्र का घर है और शुक्र के मसनू पाठ राहु और केतु है तो इसलिए यहाँ पर ये एक लाइन से ये क्लियरेंस मिलती है अब इसके बाद राहु और केतु की बैठक तो दूसरा भाव माना गया जिसमें शनिचर का ताल्लुक नहीं मानते हैं इंसानी अंगूठों पर मानी गई है जिसमें शनिचर यानी कि शनि का ताल्लुक नहीं मानते क्योंकि ना ही ये इसके मसनूही पाठ हैं, ना ही शनि का कोई दूसरे भाव से कोई लेना देना है सिर्फ एजेंट्स हैं उसके जो कि दूसरे भाव से संबंध रखते हैं यहां पर शनि को दूसरे भाव से अलग रखा गया है तो अब आपने समझ लिया कि देखिए चंद्र का हमारे दिमाग दिल सबसे लेना देना है क्योंकि चंद्र ही हमारे दिल की धड़कन है और धड़कन को कौन पैदा कर रहा है वो कर रहा है राहु ठीक है और जो दिमाग है हमारा वो है बुद्ध और बुद्ध के लिए ही हम कहा कहते हैं कि जब बुद्ध राहु का मेल होगा बुरे भाव में तब इस केस में ये या तो जेल खाना पागल खाना या वीराना या दवा खाना इनमें से कुछ ना कुछ देगा इंसान को बेमतलब की दिक्कतों में ये उलझा के रखता है जब भी हमें उपाय की बात आती है तब इस केस में हम शुक्र का उपाय करते हैं आपने देखा होगा लोग चांदी का छल्ला पहनते हैं चांदी का छल्ला अब देखिए चांदी जो कि चंद्रमा से रिप्रेजेंट करती है हर एक ग्रह के उपाय के लिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि चंद्रमा माता है सभी ग्रहों की और जब भी शुक्र की कमजोरी होगी यानी कि आपके अंगूठे से जाहिर होगी जब शुक्र कमजोर होगा तो अंगूठे की जान खत्म हो जाती है इंसान के अंदर लेथार्जी आलस एलर्जी, एनर्जी एनर्जी जो होती है शरीर की कम महसूस होती है तब इस केस में आपको चांदी का अंगूठा पहनना है अब मान लीजिए पैरों में दिक्कत आ रही है तब इस केस में तब भी चांदी का अंगूठा अंगूठे में छल्ला पहनते हैं आपने देखा होगा जिनको पेशाब की दिक्कत कुछ भी केतु की दिक्कत आती है स्पेसिफिकली तब हम पैर की तरफ जाते हैं क्योंकि पैर या फिर जो जॉइंट्स हैं वो केतु से संबंध रखते हैं तो इसलिए हम वहां पर केतु के लिए उपाय के लिए चले जाते हैं पैर के लिए हाथ में हम ये शुक्र के उपाय के लिए छल्ला पहन लेते हैं अब मान लीजिए देखिए राहु तो कहीं ना कहीं गलत भाव में जाएगा ही और जरूरी नहीं ये वर्षफल में भी हो सकता है कुंडली में भी हो सकता है तब इस केस में हम उपाय क्या करते हैं देखिए उपाय तो लाल किताब में बहुत सारे बताए गए हैं पर स्पेसिफिकली प्रॉब्लम के हिसाब से उपाय किए जाते हैं और यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको राहु की कहीं से प्रॉब्लम आ रही है राहु की अकेले कहीं से प्रॉब्लम आ रही है जैसे कि राहु क्या करेगा जीवन में अचानक परेशानियाँ क्रिएट करेगा आपके चलते काम बंद करेगा आपको तकलीफ देगा तो अचानक देगा आपको दिक्कतें परेशानी कहीं ना कहीं से घूमती फिरती आपके गले में आके पड़ जाएंगी आपके चलते काम बंद होंगे कहीं बेमतलब के झंझट कहीं मुसीबतें कहीं एक्सीडेंट कहीं बीमारी कुछ ना कुछ कोर्ट कचहरी को के झंझट ये सब क्रिएट कर देगा आपके साथ तब यहाँ से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है अचानक आ रही है वो राहु से संबंधित आ रही है तो राहु की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनके उपाय के लिए देखिए मैं अपनी वीडियोस में भी बताता हूँ आपको यहाँ पर इमेज में भी दिखा रखा है एक तो हम ये मूंगा इस्तेमाल करते हैं ठीक है लाल मूंगा ये लाल मूंगा है पाँच सवा पाँच रत्ती का बहुत है और कपड़े की ऐसी थैली सिल लीजिए एक हिस्सा खुला रहने दो क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी ये मूँगा और ये सारी चीज़ें लाल थैली में डाल लो पॉलीथीन है जिप लॉक वाली ताकि चीटिया वगैरह ना लगे ये सब पॉलीथीन की सामग्री इसके अंदर डालो और इधर से ऊपर से सुई धागे से सिल दो अब यह थैली आपकी चौकोर बन गई है और ये चौकोर थैली किस लिए उपाय होती है ये होती है मंगल का उपाय होता है यानी कि मंगल की शक्ति को मजबूत करना ताकि वो राहु की शरारतों पर काबू पा सके जब मंगल मजबूत होगा तभी राहु कंट्रोल में होगा नहीं तो राहु तो ऐसे ही आपके जीवन में उठा पटक लगाता रहेगा क्योंकि एक ऐसा हाथी